जाफर कहाँ से? जी मुंबई? जी मैं नवी मुंबई से हूँ, खारघर से हूँ। बताएं बताएं सर, क्या और क्या सवाल पूछना है आपको? जी मेरे क्वेरीज ये है कि मैं काफ़ी टाइम से इंक्वायरी कर रहा था रिगार्डिंग PR वीज़ा, वर्क परमिट। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि हो सकता है फिर, मगर मेरे एक फ्रेंड है जो लॉयर है, तो उन्होंने बताया कि पॉसिबल नहीं है इधर से। जो भी बोलते हैं तो वो झूठ बोलते हैं, तो व्हाई डोंट यू ट्राई विथ टूरिस्ट वीज़ा। तो मैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मगर मेरी क्वेरी ये है कि मैं टूरिस्ट वीज़ा लूँगा और मैं कनाडा में आऊँ तो क्या मुझे वर्क परमिट मिल सकता है? इज इट पॉसिबल? और उसके साथ LMIA के बारे में भी मैं काफ़ी सुना हूँ, और LMIA में ये पता चला है कि काफ़ी डिफिकल्ट है मिलना आज के तारीख में। तो ये सच है कि क्या है, आप बता सकते हैं ज़रा? काफ़ी सारे आपने सवाल पूछे हैं एक बार में, और हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो उसको हम ब्रीफ में मैं बताऊंगा, और फिर आप अपना डिसीजन बना लें। जी आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे। जी वीडियोस अगर नहीं डेफिनेटली हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके LMIA टाइप करें या वर्क परमिट टाइप करें, तो काफ़ी वीडियोस आ जाएंगे। जी। और टूरिस्ट वीज़ा मिलने के बाद अगर कनाडा में कोई आता है और यहाँ पर जॉब मिलती है, उसको LMIA मिलता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसका वर्क परमिट उसे मिल जाएगा। नंबर वन पहले बात समझने वाली है, जी कई कईयों को मिला है, उससे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिला। तो इसलिए जो जिनको नहीं मिलता तो उनकी कहानी आप सुनते नहीं हो, जी और उनकी कहानी हम पता ही नहीं लगता कि कहाँ गए वो लोग, लेकिन यहाँ काफ़ी घूम रहे हैं और जिनको कुछ नहीं मिला। और कईयों की तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि टूरिस्ट वीज़ा भी ख़राब हो गया तो वापस उनको इंडिया आना पड़ा और उनका रिकॉर्ड ख़राब हो गया। तो पहली बात तो मान के चले कि टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट मिलना 100% गारंटी नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, अगर आपको जॉब मिलती है तो दूसरा तरीका ये है कि बजाय कनाडा में रहने के आप वापस मुंबई आएँ, और मुंबई में दोबारा कैनेडियन एम्बेसी से, कैनेडियन हाई कमीशन से दोबारा आप वर्क परमिट, वर्क वीज़ा अप्लाई करें और फिर जाएं। वो है लीगली और सही तरीका, लेकिन लोग करते नहीं है। लोग लालच कर जाते हैं कि एक बार हम कनाडा आए, यहीं पर हो जाए, यहाँ पर तो वापस ना जाना पड़े, तो उससे कई बार गड़बड़ हो जाती है। मेरे पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर, जी रिसेंटली एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको कि एक इंडियन आदमी ऑस्ट्रेलिया से आया और जी वो टूरिस्ट वीज़ा पे आया, यहाँ पर किससे मिलना था, अपने फैमिली में मिलना था, तो यहाँ पर उसने आके ट्रक का एक जॉब ऑफर ले लिया, और जी उसको फिर जो कंसल्टेंट था, लोकल कंसल्टेंट, उनको भी मालूम नहीं था। मज़े की बात यह है कि ऐसा नहीं कि कनाडा में सारे लॉयर्स को सब चीज़ मालूम है, जी उन्होंने भी कह दिया कि आप बॉर्डर पे चले जाएं, यहाँ पर बॉर्डर पे, US बॉर्डर पे, वहाँ पर वो स्टैम्प कर देते हैं। तो वहाँ पर उसका स्टैम्प तो हुआ नहीं, वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चनिंग पे डाल दिया, उसे इंटरव्यू किया, उससे पूछा कि आप कैसे आए हो, क्या करने आए हो, क्योंकि वो जी आया था अपनी फैमिली से मिलने, एक दो बार एक्सटेंड करा लिया और बाद में उसको ट्रक का लाइसेंस लिया और उसके बाद मिला। तो उन्होंने सेटिस्फाई नहीं हुए कि आपका इरादा आपका विजिटर वीज़ा का था या आपका वर्क करने का था, तो इसलिए उसको रिफ्यूज़ किया, और उसको 7 दिन के अंदर उसको एक रिमूवल ऑर्डर देते हैं कि आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी, तो वो उसका रिकॉर्ड ख़राब हो गया। बात अच्छा असल में समझने वाली बात यह है कि जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो तो टूरिस्ट वीज़ा का मकसद होता है कि आप घूमने जा रहे हो। घूमने मतलब कि आप एक आध महीने बाद, 2 महीने बाद वापस आ जाओगे, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर किसी को एक वर्क वीज़ा अप्लाई करता है, उसको जॉब ऑफर मिल जाती है, तो इमिग्रेशन को शक होता है कि भाई तुम पहले विजिटर हो या तुम बाकी विजिटर के बहाने में तुम वर्क ढूंढने आए हो, तो उससे एक क्रेडिबिलिटी आपकी कम हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस ये करता हूँ कि अगर जी आपको जॉब मिलती है, ऑफर मिलती है, तो आप जॉब ऑफर ले लो, जॉब ऑफर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात जॉब सही ऑफर को लेने के बाद वापस मुंबई आओ, मुंबई में 1-2 महीने बाद आराम से ऑफिशियली अप्लाई करो, और फिर वो अच्छा है। अच्छा अच्छा तो मतलब जो टूरिस्ट वीजा लेकर मैं अंदर से जॉब ऑफर लेकर फिर इंडिया बैक आके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करूं, ये सही तरीका है? That is the right and official way that we prefer. अच्छा। और मगर ये जो LMIA का जो सीन है तो वो कितना, तो जॉब ऑफर के साथ देते हैं कि जॉब ऑफर ही देंगे और मेरे को इंडिया आना है वापस? जो आपको ऑफर देगा वो LMIA भी करा के देगा आपको। अच्छा, जब मैं कनाडा में रहूँगा वो वक्त? ओके 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 ओके। तो ये मगर ये प्रोसीजर में काफ़ी लोगों से सुना हूँ कि कुछ अलग अमाउंट सुना हूँ, लीगल अमाउंट कुछ और है, तो ये क्या
कुछ अलग बड़ा अमाउंट देना पड़ता है जिधर से जॉब ऑफर मिलता है कि जो इसके बारे में मैं कई वीडियोस बना चुका हूं और इस बार वीडियोस को चेक कर लें कि जो ये जॉब के लिए पैसे चार्ज करना है इलीगल है। अगर कैनेडियन सरकार को अगर आप रिपोर्ट कर दें कि फलाना इंसान जो कैनेडियन लॉयर है, कैनेडियन कंसल्टेंट है, कनाडा में जो रहता है, अगर वो उसने या कैनेडियन एम्प्लॉयर भी है, अगर उसने आपसे पैसे लिए हैं तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, फाइन भी हो जाता है। कई कई बार कंसल्टेंट के इमिग्रेशन लॉयर्स के भी लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। तो पैसे लेना वेना जो है ना, ये सब एक प्राइवेट में चलता है, जो ब्लैक मनी जो है कैश चलता है, कोई रसीद नहीं, किसी कुछ नहीं है, इसलिए वो किसी को पता ही चलता। और कई वर्कर्स यहाँ, हजारों की तादाद में वर्कर्स यहाँ मैं रोज़ सुनता हूँ और रोज़ देखता भी उनको, कि उनको पैसे भी चले गए, वर्क परमिट मिल गया, लेकिन नौकरी नहीं है उनके पास, कोई उनके पास तनख्वाह नहीं मिलती है और वो सब यहाँ खाली बैठे हैं। तो वो पहले वाले पैसे भी गए और अब कैश में काम करना पड़ता है, इलीगल काम करना पड़ता है, तो उसमें पैसे उतने मिलते नहीं हैं। तो ये सारा सारा ये इलीगल धंधा है, स्मगलर्स का ये वो एक रैकेट है। आप गूगल पे सर्च करके देख लेंगे LMIA फीस वाला, तो उससे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। और सरकार इस पर धरपकड़ कर रही है, लोगों को पकड़ती भी है, लेकिन फिर भी लोग कर ही जा रहे हैं। तो जो ऑफिशियल फीस है, जो LMIA करने की फीस $1,000 है, सरकारी फीस है, और थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, आप समझ लें कि $2,000-3,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं है टोटल प्रोसेस का। मतलब कि आप सोचो कि इंडिया का 1,00,000 रुपये खर्चा है, और इंडिया का 1,00,000 रुपये खर्चा सिर्फ इतना ऑफिशियल इसका खर्चा होना है। इसके लिए कई आप सुनते होंगे मार्केट में, ब्लैक मार्केट में लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा 25 लाख दे दो, कोई कह रहा 50 लाख दे दो। एक बार एक रिपोर्ट आई थी यहाँ टोरंटो में, कुछ चाइनीज लोग ने, उन्होंने $1,70,000, मतलब कि आप सोचो इंडिया का कितना हो गया भाई, ये तो मरकल 75-80 लाख रुपये दिया जॉब लेने के लिए, कि उससे जॉब खरीद पैसे दिया और जॉब ली। तो इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, लेकिन ये सब इलीगल है। ओके, तो मगर ये अपना जैसा जॉब ऑफर मिलता है कोई लीगल कंपनी से, जेन्युइन कंपनी से, तो उनका LMIA का इंटेंशन ऐसा नहीं रहता है कि भाई इनसे बड़ी मोटी रकम निकालो, बस जो एक्चुअल अमाउंट है वो लेके दे देते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज है? अलाउड नहीं है। कोई भी बड़ी कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, एस्टैब्लिश कंपनी है, जो Fortune 500, Fortune 1000 कंपनीज हैं, वो कभी भी आपसे पैसा, एक पैसा नहीं लेंगी आपसे जॉब लेने के लिए। इनफैक्ट अगर आपकी स्किल बहुत ज़्यादा डिमांड में है और आपको पसंद करते हैं, तो अपनी तरफ से आपको वो कुछ हेल्प करेंगी, जैसे आपका हवाई जहाज का टिकट देंगी जब आप यहाँ आओगे, तो हाउसिंग का खर्चा भी देंगी और इंग्लिश की ट्रेनिंग वगैरह, जो भी कोई इंट्रोडक्टरी जो एक सेटलमेंट पे चाहिए होता है वो सब देंगी। बड़ी बड़ी कंपनियां, जो जेन्युइन कंपनियां, कभी भी पैसे नहीं लेती। और कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी लॉयर, चाहे लॉयर भी हो, अगर बीच में अगर आपको ये कह रहा है कि हम आपको जॉब दिला देंगे और इतना खर्चा लगेगा, आप मान के चलने के वो सब नकली है। अच्छा। और ये मतलब ये जैसे अभी अपने को चेक करना है वहाँ पे, अभी जैसा मैं नया हूँ कैनेडा में, तो मुझे जैसा मैं ट्रक ड्राइवर के लिए मेरा इंटेंशन है, क्योंकि मेरा फ्यूचर में इरादा है कि मैं उसमें उसका बिजनेस चालू करूं वहाँ पे, क्योंकि मैं इंडिया में भी यही चीज़ कर रहा हूँ लॉजिस्टिक्स में, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि ये जेन्युइन कंपनी है? मतलब वहाँ पे कुछ लिस्ट आती है गूगल में कि कैसे? ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। अगर मेरे को मालूम करना है कि इंडिया में जेन्युइन कंपनी कौन सी है, तो कैसे मैं मालूम करूँगा इंडिया की कंपनी, कैसे मालूम होगा? सवाल ही नहीं है, पता नहीं है। इसी तरीके से कनाडा में जो कंपनी असली है, नकली है, वो भी सवाल नहीं है। कोई पता करना का कोई आसान तरीका नहीं है। जो कंपनी आपको जॉब दे रही है, उस कंपनी का नाम लिखा है, उससे पूछो, जो भी ऑफर दे रहा है उससे पूछो कि कौन है कंपनी का मालिक, कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका कोई फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस होगा, उनको डायरेक्टली कॉल करो, उनसे डायरेक्टली बात करो, उनसे पूछो कि आप जॉब दे रहे हो, जॉब असली में दे रहे हो कि नहीं हो, कि बीच में कोई और धांधली तो नहीं है, उससे बात क्लियरिटी हो जाएगी। और सीधी बात है, अगर बड़ा पैसा मांग रहा है तो सवाल ही नहीं, वो जेन्युइन। मैं आपको कह रहा हूँ बड़ा पैसा, मैं कह रहा हूँ एक पैसा भी मांग रहा है तो भी सवाल, तो भी नकली मान के चलो। अच्छा, ठीक है, आपसे काफी आइडियाज मिले, तो मैं वही काफी टाइम से मेरे वाइफ भी बोल रहे थे कि आपसे बात करके देखे, मैं सोचा आप बिजी है तो मैं पहले आपसे चेक करूँ। मैं आपका नीचे लिंक में देखा आपका स्काइप नेम, तो आपसे बात करा। इन फ्यूचर भी मेरे को कभी कोई हेल्प चाहिए रहेगी तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। Well, I don't know okay, if I'm free or not. You can always try, but I can tell you this: I have been to Mumbai twice, at least maybe twice. Okay. Or
मैंने देखा है कि मुंबई में भी, मुंबई मतलब मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए हैं, काफ़ी मेच्योर हैं, और एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया मन उनको ज़्यादा अवेयरनेस है उनकी, और एजुकेशन भी थोड़े हायर, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग ठगे जा रहे हैं। तरह तरह के कंसल्टेंट, तरह तरह के जो ब्रोकर हैं, दलाल हैं, बैठे हैं, जो अपने साइबर कैफे में बैठे या घर में बैठे बैठे जॉब पे टाइप कर लेते हैं कि ये कंपनी कैनेडा की कंपनी है, जॉब दे रही है, और उसको उठा के बेच रहे हैं। मैंने इतने इंटरव्यूज़ किए हैं, लोग जब कॉल करते हैं तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं यूट्यूब पे बात करता हूँ, क्योंकि उस बात को लोग, हज़ारों लोग और सही देखते हैं, बात है सुनते हैं। और जो कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशली जो कंसल्टेंट्स हैं जो जो पैसा मांग रहे हैं, वो भी जब देखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा लोगों को पता लग रहा है, जागरूकता फैल रही है, तो वो भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। एटलीस्ट कईयों के पैसे बचे हैं, कईयों के कई कई लाख उनके वापस हुए हैं, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे बात सुनी कि भाई आपका जॉब ऑफर असली नहीं लगता मेरे को, और उन्होंने वैसे खींच लिया। नहीं तो ये एक धंधा अच्छा है वैसे, रोज रोज ही किसी एक मुर्गे को नया फंसा के रोज ही 10-10 15-15 हज़ार रुपये डिपॉजिट ले लो, उससे काम चल जाएगा। नहीं, मैं भी अभी फंसने ही वाला था, मगर यही तो मेरे दोस्त लॉयर है, उनको फोन किया तो हाँ उन्होंने बोले कि आप फोन पे बात मत करो, आप ऑफिस पे आ जाओ। तो उन्होंने बोला वो 5 लाख मांग रहे हैं ना, उनको बोलो मैं 10 लाख देता हूँ और आप मुझे पहले काम करके दो, मेरे को पीआर वीजा निकाल के दो, तो तब 10 लाख दूंगा। तो जब मैंने ऐसी बात वो सामने एजेंट को करा तो बोला नहीं, घुमाने लग गया, कहानी बनाने लग गया। तो अल्लाह करम है कि मैं बच गया। तो इसीलिए उन्होंने यही एडवाइस दी कि आप टूरिस्ट वीजा निकालिए और आप जाइए और खुद जाके देखिए, आपका 1-2 लाख वेस्ट होगा मगर आप अपने ऊपर खर्चा करोगे और एक हाँ एक्सपीरियंस लोगे। ये एडवाइस किसने दी आपको? कहाँ ये मेरे लॉयर जो दोस्त है मेरे, ऐसा पर है वकील हैं? कहाँ पर है वकील हैं? ये नवी मुंबई में वाशी में है ऐसा। अच्छा, ये अच्छा, तो ये इन्होंने आपको सलाह अच्छी दी है, और उनको भी ये वीडियो दिखाना कि टूरिस्ट वीज़ा लगा के घूम के आओ, एक आध महीने देख कर आओ, कनाडा में देखो कैसे लोग रहते हैं, कनाडा में कैसी बर्फ़ पड़ती है, कैसी ठंड है, कितना खर्चा है, जी कैसे जो ट्रक ड्राइवर कैसे पैसा कमाते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी है, ये सब ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। जी इससे पहले आप कोई डिसीजन लो और उसके बाद कोई लेना। अब सोचो कि मैं रहता हूँ कनाडा में कई सालों से, अगर मेरे से कोई आदमी बोले कि मुंबई जाओ जी, वहाँ पर जाके ये काम कर लो, फलाना काम कर लो, तो मैं सो बोलूँगा भाई मुंबई का मेरे को ABCD नहीं पता, आप कैसे सोच रहे हो कि मैं एकदम जाते ही किसी को पैसे दे के या जॉब ले लूँ वहाँ से, या बैठे बैठे डिसीजन करूँ। मैं जब मुंबई जाऊँगा, देखूंगा, जब मेरे को जी वहाँ पर क्लिक करेगा, तभी तो मैं कोई एक्शन लूंगा। और यहाँ तो जी डिफरेंट कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी सेम कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जाहिर सी दूसरी बात कंट्री, एक नई कंट्री जहाँ पर आदमी कोई गया नहीं, पहले है ही जी। से बैठ के वहाँ से वो फोन पे बोल रहा है कि जी ये जॉब ले लो, ये करेंगे, ऐसे PR हो जाएगी। इट इज़ जस्ट फिक्शन ऑफ इमेजिनेशन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो लेकिन फिर भी लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। नहीं, मैं मेरे रिलेटिव्स भी काफी है, ओंटेरियो में है, अल्बर्टा में है, ओंटेरियो में टोरंटो में ही रहते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन का है। तो वही बोल रहे हैं कोई रिश्तेदार आपको बुला नहीं सकता है, आपको अपने बस पे ही ट्राई करना है और आपको अपने तरफ से ही हेल्प करना है। कोई आपको ना वर्क वीज़ा भेजेगा ना पीआर वीज़ा भेजेगा। तो वही बता रहे थे, मेरी खुद की सगी बहन है, मैं बुलाना चाह रहा हूँ उनको, वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो बोल रहे कि बस ये है कि स्ट्रेट रूट पकड़ो, तो मतलब गलत एजेंट के हाथ में मत लगो, सब तरीक सही तरीके से। तो उन्होंने भी वही बोले कि आप विजिट वीजा आके पहले चेक करिए कैसा है क्या है, यहाँ की वेदर आपको सूट करता है क्या, आपके फैमिली को सूट करता है, और ये जो ट्रक ड्राइवर का आपका इंटेंशन है तो यहाँ की ट्रक ड्राइविंग और वहाँ की लाइफ इंडिया की लाइफ में बहुत डिफरेंट है ऐसा। तो वही देखते हैं कैसा है। चलो, जी और जी कोई सवाल नहीं तो थैंक यू वेरी मच, थैंक नहीं, यू फॉर थैंक्स अ कॉल, लॉट, थैंक थैंक्स अ लॉट, टेक यू, केयर, बाय बाय। ठीक।